जिस बुरी तरीका से पुलिस ने पीटा है, तो जालियांवाला बाग से बुरी स्थिति है भाई। इसका नाम मुजफ्फरनगर छोड़ के मौत नगर रख दी। SIT की जांच चाहते हैं, अविलंब पांचों की गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। ब्रह्मपुरा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव, बिहार पुलिस पर बमक पड़े और उन्होंने साफ साफ कह दिया जलियांवाला बाग जैसी स्थिति हो गई है, बदतर स्थिति हो गई है यहाँ पर, और SIT से जांच करने की मांग कही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को जिस तरीके से पुलिस ने पीटा है, इसकी SIT से जांच होनी चाहिए। कई सारी बातों को कह रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर को का नाम बदलने की बात कह दी, इसका नाम मौत का शहर कर दिया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। प्रभारी का गाली गलौज सुनना पड़ा और उसके बाद इतने बड़े अपराध के बाद जो वह लड़का और अन्य चार आदमी मिल करके जो CCTV फुटेज में भी है ले गया, और जब परिजन और इस इलाके के लोग उस बच्ची के न्याय के लिए गए, जिस बुरी तरीका से पुलिस ने पीटा है, तो जालियांवाला बाग से बुरी स्थिति है भाई। एक ही परिवार के माँ को, मौसी को, चाचा को, भाई को, कंप्लीट भी हम, पीड़िता भी हम और मार खाए भी हम, और फिर धारा भी लग जाए हमी पर। ये उच्च स्तरीय जांच की मांग हम SIT से करेंगे। SP साहब, DIG, IG सब से बात करेंगे। जरूरत होगा तो मुख्यमंत्री जी से हम इसके इन घटनाओं के खिलाफ जांच चाहेंगे। न्याय मिले, SPD ट्रायल हो, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको फांसी की सजा। बेतरीके से मारा है उस बच्ची को। आप देखिए, मेरी बात समझिए, आपके हर चार दिन के बाद तो पप्पू यादव को आना पड़ता है मर्डर में। इसका नाम मुजफ्फरनगर छोड़ के मौत नगर रख दीजिए। डरावना शहर है। यहाँ पर राज करते हैं MLA, MP, XMLA, MP, MLC, जिसको मन तिसको मारो, जिसको मन तिसको काटो, कभी CO को कभी उठाओ, कुठो फूटो, कभी कुटो, ये सही थोड़ी है। और उसके बाद जिस तरीके से जाति धर्म मजहब का नाम लेके गाली गलौज होता है, भैया दो सांड की लड़ाई में किसी जाति का क्या लेना देना, दोनों एक मन बढ़ू, एक पहले से दादा माफिया, सब दारू पी करके नंगा नाच करता, उस दिन भी सब दारू पी लेता, तो तुम दोनों की लड़ाई में तुम जाति का नफरत पैदा क्यों कर रहे हो? तुम जानो तुम्हारा जस्टिस करे, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद MP MLA कहाँ गायब हो जाते हैं, तब मंत्री लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, हम नहीं जानते हैं बेचारा कौन पार्टी का जाति है, अब तो जातियों पार्टी का हो गया है। मर्डर किसका होगा, कौन जात ने मारा, किस जात को मारा, पहले ये पूछता है लोग कि बोले कौन कौन जाति हो, अब मार लगे कौन जात हो, अब जाति के आधार पर मूल्यांकन बेटी का हो वो कौन जात है, हमको तो नहीं पता वो लड़का कौन जात है, कौन जाति है, बेटी बच्ची कौन है जात है, जो लड़का वाला जात होगा वो थोड़ा रुक गया होगा, जो लड़की वाला जात और होगा वो थोड़ा बढ़ गया होगा। अब ये तो हालात है, सुरक्षित कौन है, जब सट्टा और मटका, कोरेक्स से लेके ट्रक्स, डिलीवर बॉय से लेकर के अब 90% यूथ कर रहा हो और पूरा पुलिस इन्वॉल्व हो, CRPC से कोई मतलब नहीं, इन्वेस्टिगेशन उनका काम है और आम आदमी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, और उल्टे जालियांवाला बाग कर दे, तो हम न्याय चाहते हैं, SIT की जांच चाहते हैं, अविलंब पांचों की गिरफ्तारी, और जो लोग धरना पर थे, जो पुलिस लाठी चार्ज किया उस पर कार्रवाई चाहते हैं, और इन लोगों पर कोई केस हुआ हो तो उसको वापस किया जाए। ठीक।
तो आपने सुना कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और साफ साफ कहा कि बिहार पुलिस जिस तरीके से पिटाई की है तो जलियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति है। तो ऐसे में SIT से पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर का नाम बदलकर मौत का शहर कर देना चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।